हेलो दोस्तों, शनिमूर में आपका स्वागत है। बिहार विशेष के आज दूसरा है मॉक टेस्ट, और इसमें क्वेश्चन जो होगा आपको मन में सोच लेना है और क्वेश्चन लगाना है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप कुछ बिहार के ज़िले का आपको नाम याद रखना चाहिए जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है। नेपाल के साथ बाउंड्री बनाने का मतलब कि इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, क्योंकि नेपाल दूसरा कंट्री है और उसके साथ पूछ देता है कि बिहार के कौन कौन से ज़िले बनाते हैं। तो ये देखिए, पश्चिमी चंपारण पहला हो जाएगा, इधर से चलते हैं हम लोग पश्चिम से, तो फिर पूर्वी चंपारण हो जाएगा, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं, मधुबनी याद रखिएगा, सुपौल याद रखिएगा, अररिया याद रखिएगा, किशनगंज याद रखिएगा। तो कितने ज़िले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पश्चिमी चंपारण पहला, पूर्वी चंपारण दूसरा, सीतामढ़ी तीसरा, मोतिहारी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए मधुबनी है, मोतिहारी नहीं है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। जो मोतिहारी है ना, ये जैसे कि मुख्यालय होता है ना, जैसे कि सासाराम रोहतास जिला का मुख्यालय है, कैमूर का भभुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पर होता है जहाँ पर एसपी बैठते हैं। ठीक, तो आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कल हम आपको बताएंगे यूपी से जो सटे हुए हमारे ज़िले हैं बिहार के, उसको बताएंगे, फिर पश्चिम बंगाल से भी देखेंगे, रांची से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिहार में ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन कारखाना है, कहाँ पर स्थित है? ये आपको ऑयल रिफाइनरी ये बताना है। ये जो स्थित है ये बरौनी में स्थित है। बरौनी किस जिले में पड़ता है? तो बेगूसराय ज़िले में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। सासाराम में सिरसा का मकबरा स्थित है, याद रखिएगा, सासाराम में सिरसा का मकबरा। पटना जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक, जरूर याद आपको रहना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। जब अधिकतम आपको याद करना है तो न्यूनतम भी जरूर याद कर लीजिएगा। मैं कल कराया था ये क्वेश्चन, ये शेखपुरा, शेखपुरा है जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाला है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अगर पूछता है तो शिवहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिहार के किस जिला में शाही लीची उत्पादन होता है, और इसी के चलते इसे जीआई टैग भी मिला था बिहार के, ये पूरे भारत में ज़्यादा होता है यहाँ पर, ये मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, हाजीपुर में, हाजीपुर का केला भी आप सुने होंगे, तो हाजीपुर में केला है। हाजीपुर और ये पटना के बीच गांधी सेतु पुल है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और गया में क्या हुआ था? तो जो महात्मा बुद्ध उनको गया में ही, बोधगया में प्राप्ति होता है, गया से कुछ सिटी से दूर है, वो गया में ही पड़ता है, गया जिला में, तो वहाँ पर उनको प्राप्ति हुआ था। गया अगर पूछता है कि पूरे बिहार में कहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है और सबसे ज़्यादा गर्मी, तो आप गया ही लगाइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बिहार में कौन अंग्रेज यात्री सबसे पहले आया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपका बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार में कौन अंग्रेज यात्री सबसे पहले आया था? ये रल्फ फिच, देखिए ये रालफ नहीं होगा यहाँ पर, रल्फ, ये आधा यहाँ पर ल होना चाहिए। रल्फ फिच जो है ये सबसे पहले अंग्रेज यात्री थे जो आए थे बिहार में। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे कि इंग्लैंड से, यूके वाला आए थे कि फ्रांस वाला आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और वो कब आए थे? तो 1498 में आया था वास्को डिगामा, कालीकट, ये केरल वाला है ना, यहाँ पर बंदरगाह पर आया था, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार के किस जिला में अधिक वन है। बिहार के किस जिला में क्षेत्रफल के अनुसार, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, ठीक, तो क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल के साथ बनाता है बॉर्डर, ये भी याद रखिएगा। और ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार में। बिहार में कुल 40 जिले हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजगीर का नाम आप सुने हुए होंगे, राजगीर में मलमास मेला भी लगता है। तो आपसे अगर पूछता है कि मलमास मेला कहाँ लगता है, तो कुछ साल के अंतराल पर लगता है, तो मलमास मेला राजगीर में लगता है। सोनपुर मेला, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला भी लगता है, ये भी याद रखिएगा, सोनपुर में लगता है। ठीक, ये सबसे बड़ा मेला है विश्व का, सोनपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार के किस जिला में घोरा कटोरा झील है। घोरा कटोरा झील जो है ये किस जिले में है, बिहार के किस जिले में है, ये आपको बताना है। ये जो जिला है ये है राजगीर, किस जिला में है? सर, राजगीर जिला में है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा झील कहाँ पर है, और आपको लगाने के लिए दे देगा, और आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे पहले आपको बीपीएससी में बन गए हैं, और बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। दे देगा झील मिलान करने के लिए, या दे देगा कहाँ पर ये झील स्थित है। तो ऐसे करके आपको जरूर याद करना है। मैं अलग अलग झील पूरे बिहार का जो जो होगा क्वेश्चन ले लेकर करा दूंगा। ठीक, तो 5 के आंसर ए हो जाएगा। कैमूर का मुख्यालय, जो कैमूर जिला है, ये यूपी से सटे हुए जिले हैं। ठीक, तो इसका जो मुख्यालय है ये भभुआ पड़ता है। और बक्सर जिला आप जान ही रहेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है कि 1757 में कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति में आरा का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 की क्रांति हुआ था, मंगल पांडे बिगुल फूकने वाले में थे इसमें,
क्या हुआ था कि चर्बे वाली और गाय के चर्बी वाले करतूस छोड़ने से ये मना कर दिए थे। तो 1857 की क्रांति का मैं आपको नोट्स दूंगा जो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिहार से कौन से नेतृत्व किए थे, भारत में कौन कहाँ से नेतृत्व किए थे। अगर आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन बनाना होगा तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, आपको बिहार से नहीं पूछेगा, आपको भारत से पूछेगा कि भारत में मान लीजिए कानपुर का किसने किया था, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था लास्ट में, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर मेंस में बात किया जाए बिहार के मेंस में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में बिहार से, ठीक। तो 1857 की क्रांति में आरा का नेतृत्व किसने किया था, आरा जगदीशपुर से थे ये, तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे, बाबू वीर कुंवर सिंह। अगर पटना का बात करें तो पीर अली खान थे, पटना का नेतृत्व कौन किए थे, तो पीर अली खान थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी पटना हाई कोर्ट जो है उनके मुख्य न्यायाधीश का आपको नाम बताना है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हम लोग का जो बिहार है उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो पटना जो हमारा का राजधानी है वहीं पर स्थित है, ठीक। और जो इसका स्थापना हुआ था ये 1916 में हुआ था। और जो अभी इसके हैं चीफ जस्टिस मीन्स के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभी पटना हाई कोर्ट के, ये अमरेश्वर प्रताप शाही है, अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं, ठीक। और एक और बात याद कर लीजिएगा, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। फागू चौहान हमारे राज्यपाल है, लक्ष्मण कांत झा इनका भी नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण कांत लक्ष्मणी लक्ष्मण नहीं याद रखिएगा, यहाँ पर लक्ष्मण लिखा है, लक्ष्मणी कांत झा थे जो भारत के पहले, भारत नहीं माफ कीजिएगा, बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार के जो पटना है उच्च न्यायालय इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, अंग्रेज नहीं भारतीय। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बिहार है, बिहार बीपीएससी में आया था, इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो लक्ष्मणी कांत झा थे, याद रखिएगा। अगर पटना का भी पूछे तो अमरेश्वर प्रताप शाही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार लोकसभा की कितने सीट, मतलब शेड्यूल कास्ट के यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कितने सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये आपको बताना है बिहार में, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कि कहाँ कहाँ सीट कौन कौन से आरक्षित है, तो आपको याद होना चाहिए। जो बिहार में लोकसभा का सीट है 40 है, राज्यसभा का आपका 16 है, कल मैंने बताया था, विधानसभा का जो 243 है और आपका विधान परिषद का 75 सीट है, ठीक। अब इसमें 40 सीट में से क्या है, लोकसभा में जो 40 सीट है उसमें से एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है, कितने हैं 6 सीट, और कहाँ कहाँ रिजर्व है, तो गोपालगंज, याद रखिए मैं बता रहा हूँ, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ठीक, सासाराम जहाँ से मीरा कुमार मांझी जी गया से। तो ऐसे कर मैंने कल पूछा था कि आप लोग बताइए कि आपके क्षेत्र से कौन लोकसभा का कैंडिडेट है, कौन से लोकसभा में आपका पड़ता है गाँव, ये सब मैंने पूछा था। बहुत लड़के कॉमेंट किए हैं, उनको मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा, कल तो टाइम नहीं मिल पाया था लेकिन आज सबको जवाब दे दूंगा, ठीक। लेकिन बहुत लोग कमेंट किए हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मैं लास्ट में सवाल आपसे पूछूंगा जिससे आपका क्या होगा कि बिहार प्रॉपर काफ़ी पकड़ हो जाएगा, ठीक। तो इसमें 6 है, 6 सीट लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, बिहार के शोक नदी इसमें से कौन है। तो बिहार के जो शोक नदी है ये आपका कोशी नदी है। कोशी नदी को क्यों बिहार की शोक नदी बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी टेढ़े मेढ़े रास्ते बदल देती है, जब बाढ़ आता है तो ये टेढ़े मेढ़े जाने लगती है, रास्ते बदल देती है, जिससे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए शोक नदी बोला जाता है बिहार का। और आपको पता है कि अभी फिलहाल 4 दिन 5 दिन लगातार बिहार में बारिश हुआ था, तो अभी भी पटना मुख्यालय जो है बिहार का, पटना राजधानी है, वहाँ पर राजेंद्र नगर, आपको कंकड़ बाग वाला क्षेत्र और भी बहुत से क्षेत्र है जो कि अभी भी पानी में जलमग्न है, ठीक, इस स्थिति से हुआ है। तो उस समय सोचिए कि आपको उत्तरी जो बिहार है और उसमें क्या हाल होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोन जो है, सोन नदी भी है, सोन नदी जो कि सोन और गंगा पटना के जस्ट कुछ पीछे ही आके संगम हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक। और ये अमरकंटक से निकलता है सोन, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बिहार और अगर आपसे ये पूछे कि कोलकाता की कौन शोक नदी थी कहलाती थी, तो वो दामोदर नदी थी, कौन थी, दामोदर। लेकिन अब इस पर बनाकर बांध काफ़ी पकड़ बनाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, कल मैंने ये बताया था, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इतिहास से शुरू करता हूँ, अपने मन में सोच लीजिएगा कि ये कब अलग हुए थे। क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूँ, जो बिहार है, ठीक, पहले बंगाल का हिस्सा था, पहले क्या था, बंगाल का हिस्सा था, ठीक। तो बंगाल से उड़ीसा और बिहार को सम्मिलित रूप से 1912 में अलग कर दिया गया, 1912 में 22 मार्च 1912 में अलग कर दिया गया बंगाल से काट कर, ठीक। जब बंगाल से काट कर अलग कर दिया तो 22 मार्च को हम लोग अपना इसीलिए क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक, ये याद रखिए। अब जब 1912 में अलग कर दिया तो फिर आता है 1936 का समय, जिसमें क्या हुआ कि बिहार से कटकर उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से कटकर जो उड़िया भाषा बोलते थे उड़ीसा अलग हो गया, ठीक। एक ऐसा भी समय आया था कि बिहार से कुछ बंगाली भाषा जो लोग बोलते थे वो पश्चिम बंगाल में वो चले गए थे, ऐसा समय आया था, तो उसका क्वेश्चन बनता है, मैं करा दूंगा क्वेश्चन वो, ठीक।
और फिर क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में बिहार से कटकर झारखंड अलग हो गया। तो कब पूछता है तो बीपीएससी का क्वेश्चन बना था ये कि कब हुआ था झारखंड बिहार से, तो 15 नवंबर को याद रखिएगा, नवंबर डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ऐसे कुछ डेट आपको याद करना चाहिए, क्योंकि बिहार से कटकर झारखंड छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ जाते हो मध्य प्रदेश से कटकर बना था और उत्तराखंड बना था यूपी से कटकर, ठीक। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो 1936 में हुआ था बिहार, या क्वेश्चन याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, जो बिहार है उसमें शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या दोनों पूछ देता है, तो बस शहरी याद कर लीजिए, ग्रामीण तो खुद ही निकाल लीजिएगा 100 में से घटाकर। तो इसमें से 11.3 क्या है, 11.3 मतलब कितने मात्र लोग शहरी हैं बिहार में, और जो ग्रामीण है ये 88.7 है, ठीक, पूरे बिहार में। इतना जरूर आप याद रखिएगा, शहरी है तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ए और फिर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के किस जिला से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्मदिन आपको याद होना चाहिए, 3 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनता है, 3 दिसंबर को हम लोग उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं, तो मेघा दिवस मनाते हैं, ठीक। तो 3 दिसंबर जब आएगा तो हम लोग मेघा दिवस मनाएंगे उनके जन्मतिथि के कारण, और ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार के सिवान जिला के थे, हरदोई से थे, बिहार के सिवान जिला के थे, ठीक, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ देता है। अगर गोपालगंज का बात करें तो यहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है बिहार में, मीन्स कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गोपालगंज में ज़्यादा है, फिर उसके बाद सिवान आता है, फिर तीसरे पर आता है छपरा, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए और क्वेश्चन बन जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो भी बिहार से थे, वो भी कहाँ से थे, तो बिहार से थे, तो याद रखिए क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे, और भी विश्वविद्यालय आपको मैं करा देता हूँ, याद रख लीजिएगा, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है या कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जरूर आना चाहिए। जो नालंदा है उसके जो थे ये मात्र इसमें ये पूछ रहा है, इसके कौन थे, कुमार गुप्त थे, संस्थापक कुमार गुप्त थे, ठीक। अगर आपका बात करें ये धर्मपाल किसका था, धर्मपाल भी था संस्थापक था पालवंश से, तो ये विक्रमशिला का था, कौन, विक्रमशिला का। और पालवंश के संस्थापक गोपाल किसके थे, तो ये थे अनंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक। और तक्षशिला का कौन था, ये तक्ष थे, तक्षशिला के किए थे, ठीक। तो ऐसे कर पूछ देता है तो 13 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल का कौन नवाब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, इसमें से बताना है कि बंगाल के वो कौन नवाब थे जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए थे, ये मीर कासिम थे, कौन थे, मीर कासिम था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर कासिम। बाबर जो है ये मुगल वंश के संस्थापक था भारत में, ठीक, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और उसी समय इब्राहिम लोदी हार गए थे और वहाँ पर फिर बाबर वंश ये हुआ, बाबर ने उसका आधारशिला रखा था, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो मुगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो मीर कासिम ने, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक। अब कुछ ऐसे भी फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं बिहार के बारे में, कल मैंने बताया था, तो बिहार के बारे में आपका आज क्या होगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जाकर देख लीजिएगा, ठीक, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का कहाँ बना है, और बना है बीपीएससी का सारा ये क्वेश्चन बना है, जितना मैं बोल रहा हूँ समझिए ये बीपीएससी का पहले क्वेश्चन बन चुका है, आपको याद करना चाहिए बिहार के बारे में, इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो बिहार के प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी ये आपको राबड़ी देवी थी, माफ कीजिएगा, राबड़ी देवी थी, लालू यादव की वाइफ, तो राबड़ी देवी थी, तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो सरोजिनी नायडू थी ये यूपी के प्रथम राज्यपाल कहिए, या पूरे भारत के में भी पूछ सकते हैं कि महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सुचेता कृपलानी यूपी के पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ऐसे कर याद रख सकते हैं, तो 15 के आंसर सी हो जाएगा। आज का सवाल देख लीजिए और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक, जरूर देना है कि आप किस परमंडल में आते हैं, मैंने बताया था परमंडल क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है, तो आप किस परमंडल में आता है जो आपका गांव है, कि आप किस अनुमंडल में आते हैं ये भी आपको बताना है, और आपके जो ज़िले हैं आप अपने ज़िले जानते होंगे ना, अपने 40 बिहार में ज़िले होंगे, कोई ना कोई ज़िला से आप होंगे, वो ज़िले से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कोई मुख्य नदी होगा तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं होगा तो ना बताइएगा, लेकिन अगर कोई नदी होगा तो ज़रूर बताइएगा कि ये नदी हमारे ज़िले से जाती है, ठीक। तो ये आपका 3 क्वेश्चन रहा, कल बहुत लोगों का कमेंट आया और कल व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया, तो कल मैंने बोला था कि सभी से बात भी करेंगे, ठीक, तो बहुत लोग मैसेज किए कि सर हमको ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है दुर्गा के लिए, बहुत मैसेज आया है, तो फिर मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि इसका जो फ़ी है ये 400 है और आपको PDF में मटेरियल मिलेगा 50 दिन तक, और प्रतिदिन मिलेगा आपको, ध्यान से रखिए ये बात रखिए कि आपको वही टॉपिक प्रतिदिन दिया जाएगा और 50 दिन में आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा, जिसमें आपको इसके साथ साथ क्या मिलेगा, तो 50 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, जैसे कि आप बौद्ध जैन धर्म पहले दिन आपको पढ़ाया जाएगा तो उसका नोट्स भी दिया जाएगा, उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक।
और टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और डाउट डाउट क्लियर सेशन आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जो आपको नंबर दिया जाएगा उस पर, और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि इस सवाल में हमें कन्फ्यूजन है थोड़ा इस पर किया जाए, और हमसे भी आप बात कर सकते हैं जिस दिन हमारा छुट्टी रहता है हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि आज हम सभी लोगों से बात करेंगे जो ग्रुप ज्वाइन करना है, 5 मिनट मात्र बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि ग्रुप मैसेज जो करता है और जो ग्रुप चलाता है वो दूसरे लोग हैं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, आपसे नाम, आपका गाँव, आपका ज़िला, और आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, और उसके बाद मैं आपको ये बोल दूंगा, पेटीएम नंबर उपलब्ध करा देंगे या गूगल पे या जो भी अकाउंट नंबर, जैसे भी आपको 400 रुपये फी पे करना है कर सकते हैं, ठीक। और ये है आपको डेली मॉक टेस्ट जो होगा उसमें आपको इतने समय दिया जाएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप सबसे बड़ी चीज़ होती है टेस्ट, अगर संडे को आपको टेस्ट होता है और आपको पूरे रैंक वाइज, लगभग बहुत लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं उसमें रैंक वाइज, पिछले बार जब बिहार पुलिस आया था तो उसका भी शुरू किए थे, बिहार पुलिस भी आ गया है तो कुछ दिन में उसका भी शुरू हो जाएगा, तो अगर आप दरोगा का कर लेते हैं तो बिहार पुलिस में आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दरोगा आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के तहत कराया जाएगा, ठीक। साप्ताहिक टेस्ट जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा आपका, और उसमें रैंक वाइज आपका रिजल्ट बताया जाएगा, ठीक। आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा, आप उधर से क्वेश्चन बनाकर आंसर लिखकर भेजिएगा और आपका आंसर देखा जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। बहुत लोग बोलेंगे कि सर तो फिर तो घर पर मोबाइल से सर्च कर लेंगे, ये सर्च कर लेंगे। अगर आप दरोगा का एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप दिए होंगे तो ज़रूर जानते होंगे कि इसमें कोई चोरी वोरी नहीं होता है। अगर आप घर पर बैठकर आपसे क्वेश्चन में पूछूं और गूगल करने लगे और बताने लगे तो फिर पढ़ाई करने से फ़ायदा क्या रहा है, ये तो कोई मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम है नहीं, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जब व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको मैं आज शाम से सभी लोगों से बात करूँगा, और जो जो लोग को लगेगा कि ग्रुप में होना चाहिए उनको मैं पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर और आपको कोई भी अकाउंट नंबर उपलब्ध करा दूंगा जिससे आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हैं, ठीक। फिर से मैं बता दूं कि जो भी मटेरियल मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि अदर स्टेट वाले को भी ये है कि अदर स्टेट वाले बहुत से ऐसे थे मैसेज किए थे कि सर मैं यूपी से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं, कि सर हमें ज्वाइन करना है कैसे करें, तो मैंने बोला था कल ही बात करने के लिए लेकिन कल बात नहीं कर पाए थे, ठीक। तो ये आप ये याद रख लीजिएगा, मैं आज कॉल करूंगा सबके पास जो जो ये बोल देते हैं कि यस नोट कर लीजिए नंबर, उनका नंबर नोट हो जाता है और उनके पास कॉल करेंगे, ठीक। तो आप व्हाट्सएप पर इससे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगा, और सभी मटेरियल आपको इंडिविजुअल, ये नहीं कि आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, 500 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा उसी में आपको नाम डाल दिया जाएगा, ऐसे नहीं, आपको इंडिविजुअल रखा जाएगा और टाइम टू टाइम आपको मटेरियल मिलते जाएगा, ठीक। अगर आपका कोई शिकायत होगा तो आप इंडिविजुअल मैसेज कीजिएगा, आपका वो शिकायत का निवारण होगा, या बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी आप मतलब सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी ये नंबर रहा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।